जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूरा देखिएगा। देखिए, फूल गोभी में कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं यानी कि देहिक विकार आते हैं। देहिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किन्हें कहते हैं, यानी कि जो फूल गोभी का जो खाने वाला पार्ट होता है जिसको हम अंग्रेजी में कड कहते हैं, जो फूल गोभी होती है उसकी जो संरचना है उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाते हैं, जिससे जो हमारी फूल गोभी है वो मार्केट में बेचने लायक नहीं बचती है या वो खाने लायक नहीं रहती है, जिससे हमें उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि आप इन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को अच्छे से समझ लें कि इनका आने का क्या कारण होता है और इनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं और अपनी क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारी फूल गोभी की क्रॉप होती है, फसल होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जिस टाइम पे हमें सोइंग करना है जिस हाइब्रिड को, यदि उसी टाइम पे सोइंग नहीं करते हैं, थोड़ा चेंज यदि हम कर देते हैं, तो ही ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारी क्रॉप में आने लगते हैं या कोई भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है तो भी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारी क्रॉप में आते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है फूल गोभी की खेती यदि आप करते हैं। तो चलिए, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं और किस कारण से आते हैं, तो चलिए समझते हैं। पहला जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है उसको कहते हैं हम भूरी गलन या लाल सड़न या ब्राउनिंग। ये जो रोग आता है ये आता है बोरोन तत्व की कमी से। ब्राउनिंग क्या होता है, जो हमारा फूल गोभी का खाने वाला पार्ट होता है, जो कड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उस पर क्या है, ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं या हल्के लाल कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं और हमारा जो गोभी का कड होता है वो बेकार हो जाता है। ये खाने में भी फिर कड़वा लगता है और धीरे धीरे ये पूरी क्रॉप में फैल जाता है। तो ये होता है बोरोन तत्व की कमी के कारण। यदि ऐसा आपको दिख रहा है तो आपको उस फसल पर बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। जो हमारा बोरोन आता है 20%, उसका आप 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर यदि फसल पर स्प्रे करेंगे तो इनिशियल डेज में यदि पहचान कर आप स्प्रे कर देते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर आता है फूल गोभी में, उसको बोलते हैं हम बटनिंग। यानी कि बटनिंग क्या होता है, जो फूल गोभी का जो खाने वाला पार्ट होता है वो बटनों के आकार में बट जाता है, उसमें से स्टेम टाइप में ऊपर निकलने लगते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हम बटनिंग रोग कहते हैं। ये रेयर केसेज में तो आता है नाइट्रोजन की कमी से, बहुत कम केसेज में। यानी कि नाइट्रोजन की यदि कमी है आपकी क्रॉप में, खेत में, तो ये समस्या आती है। लेकिन जो इसका जो मैक्सिमम आने का जो कारण होता है इस रोग का, बटनिंग का, वो होता है दूसरा, सोइंग विंडो यदि आप चेंज कर देते हैं। देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की फसल होती है बहुत सेंसिटिव होती है। हमें जिस हाइब्रिड का जिस टाइम पे सोइंग करना चाहिए उसी टाइम पे वो सोइंग होना चाहिए। यदि हम उसका सोइंग चेंज कर देते हैं तो ये फिजियोलॉजिकल ये देही विकार क्रॉप में आते हैं, जिससे हमारी क्रॉप पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। इसलिए जब भी आप फूल गोभी का बीज मार्केट से परचेज करके लाएँ तो उसका सोइंग विंडो यानी कि किस समय उसको सोइंग करना है, उसकी बुवाई करनी है, ये आप वहाँ से जान लें कि इसका सोइंग समय यानी कि सोइंग विंडो क्या है एग्जैक्ट। तो उसी टाइम पे यदि आप बुवाई करते हैं तो ये इस समस्या से बच सकते हैं। यदि आप थोड़ा भी चेंज कर देंगे तो ये देह विकार उसमें आएगा, जिससे आपकी क्रॉप सारी की सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो ये आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो देहिक विकार होता है, उसको कहते हैं हम हॉलो स्टेम। हॉलो स्टेम का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, जो हॉलो स्टेम यानी कि स्टेम में हॉल पड़ जाना, यानी कि जो फूल गोभी का स्टेम होता है उसमें हॉल हो जाता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। तो ये जो देहिक विकार आता है ये होता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। यदि अधिक मात्रा में आप नाइट्रोजन फसल में दे रहे हैं तो ये समस्या आती है, तो उस केसेज में आपको नाइट्रोजन की थोड़ी कमी कर देनी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो हमारी फूल गोभी की फसल है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि किसी तत्व की थोड़ी अधिकता हो जाए तो भी डिसऑर्डर आते हैं, कमी हो जाए तो भी डिसऑर्डर आते हैं। थोड़ा भी सोइंग टाइम यानी कि जो बुवाई का समय वो चेंज हो जाए तो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, जिससे हमारी पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो इसलिए आप इसको समझिए और उसी हिसाब से आप इसका बुवाई कीजिए और इसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो मेरे किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य फार्मर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।